x plus 1 by x is equal to 2, find the x to the power 200 plus 1 by x to the power 200. इसमें दिया हुआ है x plus 1 by x 2 दिया हुआ है, तो हमारा निकालना है x to the power 200 plus 1 by x to the power 200. Easy maths. तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें है x plus 1 by x, इसका एलसीएम निकलेंगे. x plus 1 by x का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आप लोगों का x, तो x होने से उसको x लिखेंगे, x से उसको, इसका तो एलसीएम 1 निकल गया, तो इसमें 1 है डिनोमिनेटर, तो इस x से उसको x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस इधर का एलसीएम जितना है वो वैल्यू डिनोमिनेटर है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 लिखेंगे, तो लिख के इधर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस, इधर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 होगा. तो हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का एक मेरा वीडियो है, आप लोग देख लीजिए. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, इससे उससे मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस एक्स होगा, तो ट्वाइस एक्स होने से हमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इस एक्स को इधर लेकर आएंगे, ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा. तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, बी का मतलब क्या होगा, इधर 1 से उसको मल्टीप्लाई करने से कुछ सेंस नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 इंटू ए मीन्स एक्स, एक्स बी मीन्स 1 लिखेंगे, और 1 स्क्वायर, 1 को स्क्वायर करेंगे, 100 करेंगे, 1000 करेंगे, कुछ मतलब नहीं है, उससे बड़ा का पावर जितना भी हो उसका मतलब क्या, 1 ही होगा, तो 1 स्क्वायर करेंगे, तो फॉर्म में आएगा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आएगा. तो ये फॉर्म में आने से हमें क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखने से उसका सॉरी तो उसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो एक्स माइनस स्क्वायर तो कैंसिल जाएगा, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा. एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होने से हम क्या लिख सकता हूँ, एक्स इस 1 को राइट साइड में लेकर आने से क्या होगा, 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1. तो हमें पहले हम एक्स का वैल्यू निकलेंगे, तो एक्स का वैल्यू निकलने से हमें उस एक्स का वैल्यू हमें इधर बैठा कर हमें क्या उसका वैल्यू निकलेंगे. देखिए हम कैसे करता हूँ मैथ्स को देख लीजिए. तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम उसको एलसीएम निकलेंगे, एलसीएम होगा एक्स, तो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इधर में 1 रहेगा, तो इधर में हो गया 2. तो मैं इस साइड में ही लिखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से एक्स को, ट्वाइस एक्स, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो वीडियो है आप लोग एक बार देख लीजिए. तो इसमें हो गया एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के एक्स को हम इधर से लेकर आऊँगा, ट्वाइस एक्स हो गया, तो इधर 1 हो गया, इधर में 0 हो गया. तो क्या होगा, उसको एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखूंगा. इस फॉर्म में लिखने से क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा. तो इधर में ए क्या है, ए का मतलब है एक्स और बी का मतलब है 1, इधर बी 1 है. ए का मतलब हो गया, इस ए का मतलब हो गया एक्स और बी का मतलब हो गया 1. तो हम लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 1, तो बी बी स्क्वायर हो गया 0. तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म हो गया. तो हम लिख सकता हूँ इधर में क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो मीन्स x इज इक्वल टू 1. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को इधर से लेने से 1 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया 1. तो इस x का 1 वैल्यू
एक्स टू दि पावर 200 प्लस 1 बाई एक्स टू दि पावर 200 एक्स का वैल्यू कितना है 1 टू दि पावर 200 प्लस 1 बाई 1 टू दि पावर 200 इसका मतलब हो गया 1 इसका मतलब हो गया 1 बाई 1 मीन्स उसका हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 तो उसका वैल्यू हो गया 2। तो फिर इजी है, टेक्निक है, थोड़ा सा टेक्निक यूज करना पड़ता है, तो यूज करके आप लोग देख लीजिए। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड द इमर इतना है। तो x प्लस 1 बाई एक्स का हम एलसीएम निकलाया है, तो x हो गया है x, तो x से हमें उसको मल्टीप्लाई किया हो, एक्स स्क्वायर हो गया, इधर में 1 रहेगा, इधर में 2, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इससे उसको मल्टीप्लाई होगा, 2x होगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया है। एस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए मीन्स x और b मीन्स 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x ए 2 × a b 1, तो बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम स्क्वायर कैंसिल किया हो, तो स्क्वायर कैंसिल करने से एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 होने से x का वैल्यू कितना होगा 1, तो इस x का 1 वैल्यू हम इधर में पुट करता हूँ, तो पुट करने से क्या होगा वैल्यू 1 टू दी पावर 200, 1 बाई 1 टू दी पावर 200, जितना पावर जितना भी हो 1 का, तो वैल्यू 1 ही होगा। तो आंसर हो गया है आप लोगों का 2। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।